आफ्टरनून गाइज, वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज, यहाँ पर नानोरे की तैयारी चल रही है। एक्चुअली पिछले व्लॉग में आपने, हल्दी के व्लॉग में देख ही लिया था कि क्या क्या हुआ, उसी का ये सेकंड पार्ट है। एक्चुअली ये वीडियो मैंने उसमें अगर ऐड किया होता ना, वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसी वजह से ये वीडियो मैंने सेपरेट बनाया। एक्चुअली यहाँ पर चल रही है नानोरे की तैयारी। नानोरे में क्या क्या होता है वो आपको बता दूँ। नानोरे में हल्दी पहले लगाई जाती है दूल्हे को, वहाँ पर सब लोग डांस कर रहे हैं दूल्हे के साथ, और दूल्हे को हल्दी लगाई थी हम लोगों ने सब ने, वो तो आपने पिछले ब्लॉग में देख ही लिया है। बस अभी उनको नहलाएंगे, मतलब दूल्हे को नहलाएंगे और दूल्हे के साथ साथ दूल्हे के मम्मी पापा को भी नहलाएंगे। और अगर जगह बड़ी हो ना तो दूल्हे के साथ साथ दूल्हे के मम्मी पापा और दूल्हे के भैया भाभी और जो भी जोड़ा है तो जोड़े से बिठाते हैं वहाँ पे दूल्हे के साथ, और उनको भी नहलाते हैं। तो ऐसे ही हमारे साइड में होता है, और आप देख सकते हो यहाँ पर नहलाना चल रहा है, उधर डांस गाना चल रहा है, और ये सब कुछ होगा यहीं पर। हम लोग इन्जॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस दिन हम लोगों ने। हल्दी वगैरह हुई, हल्दी के दिन आप देखा ही है कितने ज़्यादा डांस वगैरह हुए, बहुत ज़्यादा मस्ती की। और इस बार ना, मतलब जो हल्दी में आपको डांस दिखाए थे वो डांस बहुत ज़्यादा किए थे हम लोगों ने, बट ना जब पानी चल रहा था ना उस टाइम सब लोगों ने अपने अपने कैमरा रख दिए थे, क्योंकि पानी जाने का डर रहता है कैमराज में इसी वजह से। और एक भाई था मेरा, उसने ही सिर्फ थोड़ा सा शूट कर लिया था क्योंकि उसका मोबाइल वाटर प्रूफ है इसी वजह से। और फिर वो देखो, आप देख रहे हो वो शूट कर रहा है, बस सबने अपने अपने मोबाइल और कैमराज रख दिए हैं। बस उसके बाद ना पानी डाल डाल के इतनी ज़्यादा मस्ती की हम लोगों ने। अपने मेरे भाई के अगर शादी के ब्लॉग देखे तो आपको पता ही होगा कितने मस्ती करते हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा मस्ती की। उसके बाद सब लोग रेडी हो गए, और मतलब नहा वहा लिए और सब लोग रेडी हो गए। उसके बाद यहाँ पर मैं थाली सजा रही हूँ दूसरे दिन लेके जाने के लिए। तो इसे हमारे साइड में हाथवे की थाली बोलते हैं। तो थाली ये अलग होती है, मतलब हाथवे की थाली जो होती है वो अलग होती है, और दूल्हे के साथ साथ ही थाली को रखना पड़ता है। तो इसी वजह से इसमें दो कटोरियाँ होती है, और बहुत सुंदर सी ऐसी कटोरियाँ बाहर से खरीद के लाई थी मासी ने, और उसके बाद ये सारी चीज़ें खरीद के लाई थी, और प्लेट भी, मतलब जो थाली है वो भी खरीद के लाई थी। तो वो सिर्फ चिपका रही थी, मैं यहाँ पर तो वो चिपकी हुई नहीं थी, इसी वजह से वो फेविक्विक से चिपका रही थी। उसमें हल्दी हल्दी बोल रही हूँ, अक्षत और कुमकुम होगा, और उसके बाद बीच में दिया लगाया जाएगा, एक मटका होगा छोटा सा ज्वारी का, वो होता है हमारे साइड में उसको कनिस बोलते हैं, तो वो होगा उसमें, तो वो डाला जाएगा। बस वो सजा रही हूँ थाली। सजाने के बाद ना आप देख सकते हो थाली बहुत ही सुंदर है, और ये वाला मटका मैं आपको बोल रही हूँ, और वो ज्वारी का जिसमें हमारे साइड में कनूज बोलते हैं, तो वो डाला जाता है, और उसमें किक्सा पापड़ डाला जाता है, जैसे हल्दी वो जो रसम वाली हल्दी होती है वो भी डाला जाता है, सब कुछ वो उसमें डालते हैं, ये एक रसम में ही आता है। और ये ना थाली दूल्हे के साथ हमेशा रहेगी, एक दूल्हे की बहन इसको थाली को पकड़े हुए रहती है हमेशा के लिए। और यहाँ पर बस ये सजाना हो गया है मेरा, उसके बाद दूल्हे को तैयार करूँगी, क्योंकि मामा को किसी ने तैयारी नहीं किया था, रेडी करना है मामा को भी मुझे, और उसके बाद मामा को रेडी करके वहाँ पर भेजा है, मतलब मंदिर में भेजना है हनुमान जी के। तो हनुमान जी के मंदिर में जाने के लिए सब लोग अभी तैयारियाँ कर रहे हैं, मतलब मामा के जाने के लिए, क्योंकि घोड़ा निकलने वाला नहीं है, घोड़े पर बारात नहीं निकलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर परमिशन नहीं थी। आप लोगों को अगर पता है, मैंने बताया होगा इससे पहले भी आपको, तो अगर आपने वो व्लॉग देखे तो आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन चल रहा है हमारी साइड में, तो इसी वजह से। और अमरावती से पास ही है ये जो मामा का गाँव है मेरे, बहुत पास है, मतलब आधे घंटे का भी रास्ता नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर भी वैसे ही प्रॉब्लम थे, तो इसीलिए बारात नहीं निकलने वाली थी घोड़े पर, तो मामा ऐसे ही रेडी हो गए थे। और अभी रेडी होना बाकी है, ऐसे ही फेटा वगैरह पहना रहा है, क्योंकि जो फिट आएगा वो फेटा, वो जो भैया फेटा लेके आए थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा मामा पे अच्छा लगेगा ज़्यादा फेटा, तो हम लोगों ने दो चूज़ किए थे, एक आज के दिन पहनने के लिए ऑरेंज वाला, और दूसरे दिन पहनने के लिए रेड वाला। और सिंपल से रेडी कर दे रही हूँ मामा को, एक क्रीम लगाया है और बस थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगा के सिंपल से रेडी किया है, ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाया है, क्योंकि मामा को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इसी वजह से फाउंडेशन भी नहीं लगाया है, सिंपल सा ऐसे रेडी किया है, क्योंकि बारात नहीं निकलने वाली थी, मंदिर ही जाने वाले थे, इस वजह से थोड़ा सा ऐसे रेडी किया, क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे निकलने चाहिए इसी वजह से। और बाद में देख ही लेना आप कैसे रेडी किया है। और बस यहाँ पर वही चल रहा है, उसके बाद ना हमारे यहाँ पे वो होगा, फ़ैन वगैरह भी नहीं चल रहा था इसी वजह से हम लोग देख रहे थे, फ़ैन नहीं था, क्योंकि ये जो घर है इधर के साइड का वो न्यू ही है, इसी वजह से फ़ैन वगैरह फिट नहीं हुआ था अभी तक। और बस यहाँ पर रेडी कर दिया है, टीका लगा रहे थे, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वो जो बिंदी होती है दूल्हे की वो लाई हुई है करके, तो इसी वजह से मैंने टीका लगा दिया पहले, बट थोड़ा सा टीका लगाना भी होता है, उसके बाद फिर वो टीके के ऊपर मैंने वो बिंदी लगा दी, क्योंकि हम मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था, बट फिर भी बाद में फिर मासी ने बोला कि वो जो बिंदी है वो भी लाई हुई है,
और टीका भी बहुत अच्छे से लगाया था, बट बाद में वो निकाल दिया और थोड़ा सा रह दिया और उसके ऊपर बिंदी लगा दी। और ये जो आप देख रहे हो वो जो मैंने गले में पहनाया है वो भी एक रस्म में ही आता है, मतलब ये हल्दी का होता है कुछ, वो इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता है बट हल्दी का होता है ये, मुंडवड़ा बोलते हैं इसे जो मैं अभी लगा रही हूँ सिर पे। तो ये आपने देखा होगा महाराष्ट्रियन वेडिंग्स वगैरह में, तो पहले दिन जब रेडी करते हैं ना तब दो मुंडवड़े पहनाए जाते हैं अगले दिन, मतलब शादी के अगले दिन दूल्हे को, और वो जो दूसरा मुंडवड़ा है ना वो खोल के दूल्हा दूसरे दिन शादी के दिन दुल्हन को देगा। तो ऐसे हमारे साइड के रीति रिवाज है, तो ये मुंडवड़ा थोड़ा सा लग नहीं रहा था इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ पहले, बस जल्दी से लग गया, फिर दूसरा भी लगा दिया। और उसके बाद जो फेटे वाले भैया है वो आए थे तो उन्होंने फेटा भी लगा दिया था, तो बहुत सुंदर लग रहे थे मामा वैसे बाद में, तो आप देख लेना बाद में। और हाँ, और ये मुझे लेने के लिए भी आ गए थे, एक्चुअली मैं रुकने वाली नहीं थी वहाँ पे क्योंकि दूसरे दिन की शादी थी, तो दूसरे दिन दूसरे गांव में जाना पड़ता था और इसी वजह से ये मुझे मना कर रहे थे, तो मैं नहीं गई कोरोना की वजह से। एक्चुअली इनका पहले ही आने का मन नहीं था, मतलब यहाँ पर मुझे छोड़ने का मन नहीं था क्योंकि ये बोल रहे थे कि सिर्फ रिसेप्शन में जाना, बट मैंने जैसे कि आपको पिछले ब्लॉग में बताई है एक दो ब्लॉग में कि क्यों हम लोग आए थे, और बहुत से लोग बोल रहे थे कि दी आप जाने वाले नहीं थे फिर कैसे गए, तो यार स्टेटस देख के रहा नहीं गया सब लोगों का, तो जाने का बहुत मन कर रहा था इसी वजह से चले गए, बट ये थोड़े से नाराज़ थे इसीलिए हमें उनका भी सुनना पड़ा, तो हम लोग वहाँ पर नहीं गए, मतलब जहाँ पर शादी थी वहाँ पर नहीं गए, फिर रिसेप्शन में गए डायरेक्ट। तो रिसेप्शन का भी ब्लॉग आएगा आपके लिए, बहुत अच्छे से रिसेप्शन हुआ और उसका भी ब्लॉग आएगा आपके लिए जल्दी ही, तो उसका वेट करना। और यहाँ पर बस दूल्हे को रेडी कर दिया है, उसके बाद ना हमारे साइड में होता है वो क्या बोलते हैं, जैसे कि दूल्हे के मम्मी पापा को, दूल्हे को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, दूल्हे के मम्मी पापा को कपड़े देते हैं, तो ये इसे अहर बोलते हैं हमारे साइड में, तो वो होता है। और यहाँ पर देखो टीका थोड़ा सा पोंछ दिया है मैंने और उसके ऊपर बिंदी लगा दी है। और उसके बाद यहाँ पर वो सब कुछ मतलब जो देना होता है दूल्हे को, जैसे कि वो छुरी वगैरह होती है ना, वो सब कुछ दूल्हे को अगले दिन से ही हमारे साइड में डाल के दे देते हैं। और यहाँ पर वो बता रहे थे कि थोड़ा सा लूज़ है तो उसे टाइट करवा दो करके, तो बस यहाँ पर दूल्हा रेडी हो गया है और आप देख सकते हो अच्छे से रेडी हो गया है मामा मंदिर जाने के लिए, और यहाँ पर सब लोग बैठे हैं अहर करने के लिए, तो जो भी लाया है वो अभी देंगे सब। और ये आ गए थे मुझे लेने के लिए, एक्चुअली मेरा मन नहीं कर रहा था बट जाना पड़ा, और यहाँ पर वही चल रहा है अहर का प्रोग्राम, तो ये सब प्रोग्राम होगा उसके बाद मामा चले जाएंगे मंदिर। और मुझे पता भी नहीं था वह कब मंदिर गए क्योंकि मैं निकल गई थी, मेरी विदाई हो गई थी यहाँ से, आज चली जाऊंगी, दूसरे दिन शादी है तो दूसरे दिन का तो मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाऊंगी, अगर किसी ने क्लिप लिए होंगे तो मैं उनसे लेके आपके लिए ऐड कर दूंगी। और हाँ, रिसेप्शन का व्लॉग देखना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने रिसेप्शन में, और इन्होंने गाने वाने भी गाए, बहुत ज़्यादा अच्छे गाने गाया है, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा गाने सुन के भी, और हमने डांस भी बहुत ज़्यादा किए हैं, तो डांस देख के तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे डांस किए हैं और बहुत ही धमाकेदार डांस किए हैं। और भाभी और भाई भी आए थे रिसेप्शन में, तो उनसे भी मिलवा दूंगी मैं आपको क्योंकि भाभी ने भी बहुत अच्छा डांस किया, भाई ने भी बहुत अच्छा डांस किया, तो अच्छे डांस हुए हैं उस दिन के, तो रिसेप्शन का ब्लॉग पक्का देख आपको देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हाँ, किसी ने पूछा था कि दीपाली नहीं आई थी क्या, दीपाली और मेरा भाई, तो वो नहीं आए थे, सिर्फ मम्मी आई थी, मैंने इससे पहले ब्लॉग में भी आपको बताया है कि दीपाली नहीं आई थी, दीपाली और भाई रिसेप्शन के ब्लॉग में आपको दिख जाएंगे, वहाँ पर उनका डांस भी आपको दिख जाएगा, सब कुछ आपको रिसेप्शन के ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा।